अस्सलाम वालेकुम, यास्मीन खान किचन में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं KFC स्टाइल चिकन बर्गर, मेरी स्टाइल में। अगर आप लोगों का बाहर जाने का मन नहीं है और बाहर का कुछ खाने का भी मन नहीं है, लेकिन बहुत ही कुछ मज़ेदार खाना है, तो इस तरीके का चिकन बर्गर आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिए। बहुत आसान सी रेसिपी है और बहुत ही लाजवाब होता है। आइए चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KFC स्टाइल चिकन बर्गर बनाने के लिए हम इस तरीके का बोनलेस चिकन ले लिए हैं। मैं थाई और ब्रेस्ट का दोनों का हिस्सा ली हूँ। आपको जिस तरीके का पसंद है आप उस तरीके का ले लीजिए। और अब हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं। इसमें हम डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच दरदरी कुटी हुई काली मिर्च, 1 छोटा चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 1 प्याली छाछ। अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। इसको बटर मिल्क भी बोलते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम मैरिनेट 3 से 4 घंटे के लिए करेंगे। आपके पास अगर टाइम है तो आप और भी कर सकते हैं या और नाइट भी कर सकते हैं। जितना करेंगे उतना ही अच्छा सॉफ्ट होएगा। अब इसे हम रख देते हैं मैरिनेट के लिए। चिकन की कोटिंग के लिए हम ड्राई बैटर तैयार कर लेते हैं। ये 2 कप मैं मैदा ली हूँ, 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 चम्मच लाल मिर्ची कश्मीरी, 1/2 छोटा चम्मच दरदरी कुटी हुई काली मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच नमक, 1 चम्मच ओरिगानो, 1 चम्मच अनियन पाउडर, 1 चम्मच गार्लिक पाउडर, 1 चम्मच जिंजर पाउडर। अब ये सभी को डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बर्गर बहुत आसान होता है और बहुत ही मज़ेदार होता है। आप भी ज़रूर बना के ट्राई कीजिए। ये हमारा बैटर एकदम अच्छे से मिक्स हो चुका है। चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब इसको हम कोट कर लेते हैं। इसमें से हम निकाल लेंगे। इसमें डालेंगे और अच्छे से हम दबा देंगे ताकि हमारा जो बैटर है वो अच्छे से चिपक जाए। अब इसे हम डालेंगे ठंडे पानी में, फिर इसे वापस हम इसमें डालेंगे। इसको फिर इस तरीके से दबा देंगे। देखिए एकदम अच्छे से चिपक गया है। अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम चिकन को डाल देते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो जरूर कर दीजिए ताकि इस तरीके की एक से अच्छी रेसिपी बना के मैं आप लोगों के लिए वीडियो डालती रहूं। इसे हम 2 मिनट के लिए इसी तरीके से फ्राई होने देंगे, फिर उसके बाद हम चम्मच टच करेंगे। अब हम इसे कट कर देते हैं। बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा है, एकदम कलर भी बहुत अच्छा दिखने लगा है। इसे हम 4 से 5 मिनट तक खाली फ्राई करेंगे, उतने में इंशाल्लाह एकदम अच्छा क्रिस्पी फ्राई हो जाएगा। देखिए हमारा चिकन एकदम अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। एकदम अच्छा क्रिस्पी सब फ्राई हुआ है। हम इस तरीके का बन लिए हैं। इसे हम थोड़ा सा सेक लेते हैं, इससे फ्लेवर और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। आपको जिस तरीके का पसंद है आप उस तरीके का ले सकते हैं। ये हमारा बन सिका गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं।
अब हम बर्गर को तैयार कर लेते हैं। हम ग्रीन चटनी में मायनीज डाल के एक सॉस तैयार किए हैं, उसे हम लगा लेते हैं। आपको अगर दूसरा सॉस कुछ पसंद है दूसरे तरीके का, तो आप उस तरीके का सॉस लगा के खा सकते हैं। दूसरी तरफ से भी हम इसी तरीके से लगा लेंगे। अब हम चिकन रख दिए हैं, दूसरी तरफ के बन पे हम पत्ता गोभी रख देते हैं, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये हमारा बहुत ही क्रिस्पी और डिलीशियस चिकन बर्गर बनके तैयार हो चुका है। आप भी जरूर बना के ट्राई कीजिए, बहुत आसान सी रेसिपी है। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं लेटेस्ट अपडेट के लिए।